प्रेरणा कथा माँ की सीख। अरब देशों में पहले के समय में लोग एक जगह से दूसरे स्थान तक काफिलों में ही चला करते थे। गर्मी भरे रेगिस्तान में अकेले यात्रा करना बहुत ही जोखिम भरा होता था। काफिलों को भी कभी कभी रास्ते में लुटेरे और डाकू लूट लिया करते थे। एक बार एक ऐसा ही काफिला चला जा रहा था। एक स्थान पर उस काफिले को कुछ डाकुओं ने घेर लिया और सभी यात्रियों के रुपये, गहने और अन्य सामान लूट लिए। उस काफिले में एक 12 वर्ष का लड़का भी था। उसके पास कुछ भी नहीं था। डाकुओं के सरदार ने उस लड़के से पूछा, तेरे पास रुपये पैसे या अन्य कोई भी चीज़ नहीं है? क्या तू अनाथ है? उस लड़के ने बहुत ही मासूमियत से कहा, मैं तो अपनी बीमार माँ की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मेरी बनियान में 5 सोने की अशर्फियाँ छिपा कर रखी हैं। वो अशर्फियाँ अभी भी मेरी बनियान में ही हैं। डाकुओं का सरदार बहुत ही हैरान हुआ और उसने पूछा, जब तुम्हारी माँ ने तुमको वो अशर्फियाँ छुपा कर रखने को कहा था तो तुमने हमको उनके बारे में क्यों बता दिया? उस लड़के ने कहा, मेरी माँ ने जो मुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना है। आपने पूछा तो मैंने सच बता दिया। उस बच्चे की मासूमियत, ईमानदारी और अपनी माँ के प्रति निष्ठा देखकर डाकुओं के सरदार का हृदय पिघल गया और उसने तुरंत ही सभी यात्रियों का लूटा हुआ सामान वापस देने का आदेश दिया। डाकुओं के सरदार ने उस लड़के से कहा, बेटा आज से मैं भी सत्य के मार्ग पर ही चलूँगा। मैं ये संकल्प लेता हूँ, अब मैं कभी भी लोगों को नहीं लूटूंगा और परिश्रम करके अपना पेट भरूंगा। आपको ये भी जानना जरूरी है कि वही 12 वर्ष का मासूम सा लड़का बाद में बड़े होकर खलीफा अमीन के नाम से विख्यात हुआ। मित्रों, सत्य की ताकत तो बड़े बड़े पत्थरों को भी चूर कर देती है और कठोर से कठोर लोगों के हृदय भी परिवर्तित कर देती है। एक बात ध्यान रखिएगा, सत्य की आधारशिला बच्चों के बचपन में ही रखी जाती है। अपने बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि कैसे भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, उनको सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।